हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे टॉप 15 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एमसीक्यू। में हमारा टॉपिक होगा स्टैटिक मेमोरी, मतलब स्टैटिक मेमोरी पे कौन से एमसीक्यू पूछे जाते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द ड्यूरेशन बिटवीन द रीड एंड द एमएफसी सिग्नल ही, मतलब एमएफसी सिग्नल और रीड के जो बीच हमारा ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है। ए एक्सेस टाइम, बी लेटेंसी, सी डिले एंड डी साइकिल टाइम। तो हमारे यहाँ ऑप्शन होगा क्या, एक्सेस टाइम। दोनों को जो बीच का अंतराल होता है, ड्यूरेशन होता है, उसको हम एक्सेस टाइम बोलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछा गया है वो यह है द मिनिमम टाइम डिले बिटवीन टू सक्सेसिव मेमोरी रीड ऑपरेशन इज, मतलब कि दो सक्सेसिव मेमोरी जो रीड करता है उसके बीच को जो डिले होता है मिनिमम टाइम उसको क्या बोलते हैं। ए साइकिल टाइम, बी लेटेंसी, सी डिले एंड डी नॉन ऑफ द मेंशन। हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ई, तो बोलते हैं साइकिल टाइम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थ्री, एम एफ सी इज यूज टू, एम एफ सी का यूज किया जाता है कहाँ। ए पीसी वे रीड सिग्नल, बी सिग्नल टू डिवाइस दैट द मेमोरी रीड ऑपरेशन इज कम्प्लीट, सी सिग्नल द प्रोसेसर द मेमोरी ऑपरेशन इज कम्प्लीट, डी असाइन ए डिवाइस टू परफॉर्म द रीड ऑपरेशन। हमारे यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पे सिग्नल द प्रोसेसर द मेमोरी ऑपरेशन इज कम्प्लीट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछा गया है वो यह है इज द बॉटल नेक वेन इट कम्स कंप्यूटर परफॉर्मेंस। ए मेमोरी एक्सेस टाइम, बी मेमोरी साइकिल टाइम, सी डिले एंड डी दिया है लेटेंसी। तो हमारा चौथे का आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि मेमोरी साइकिल टाइम। फिर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि हब नंबर वहाँ क्या है, इसमें है चार ऑप्शन दिया गया इसमें भी। इधर लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू आर मैप्ड ऑन टू फिजिकल मेमोरी बाय, मतलब जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो जनरेट होता है सीपीयू के द्वारा और मैप होता है क्या ऑन टू फिजिकल मेमोरी में किसके द्वारा। ए रिलोकेशन रजिस्टर, बी टीएलबी, सी एमएमयू और डी दिया है नेम ऑफ द मेंशन। तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा पांचवे का, वह हो जाएगा क्या, सी यानी कि एमएमयू यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। आठवा है वीएलएसआई स्टैंड फॉर, वीएलएसआई का पूरा नाम क्या होता है। ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बी वेरी लार्ज एंड एलॉन इंटीग्रेशन, सी वोलेटाइल लेयर सिस्टम इंटरफेस, डी नॉन ऑफ द मेंशन। हमारे यहाँ पे छठवें का पहला आंसर होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सातवां पूछा गया हमारे यहाँ पे द सेल्स इन ए रो आर कनेक्टेड टू ए कॉमन लाइन कॉल्ड, ए वर्क लाइन, बी वर्ड लाइन, सी लेंथ लाइन, डी प्रिंसिपल डायगोनल। तो हमारा सातवें का आंसर हो जाएगा बी यानी कि वर्ड लाइन। फिर पूछा गया हमारा क्या आठवें नंबर द सेल्स इन ईच कॉलम आर कनेक्टेड टू, प्रत्येक कॉलम में जो सेल्स होते हैं कनेक्टेड होते हैं किससे। ए वर्ड लाइन, बी डाटा लाइन, सी रीड लाइन, डी सेंस या राइट लाइन। तो आठवें का हमारा हो जाएगा क्या, डी सेंस या राइट लाइन। नौवां क्वेश्चन हमारे यहाँ पे द वर्ड लाइन इज ड्राइवन बाई द, जो वर्ड लाइन होता है वो ड्राइवन होता है किसके द्वारा। ए चिप सेलेक्ट, बी एड्रेस रिकॉर्डर, सी डाटा लाइन और डी दिया है कंट्रोल लाइन। तो नंबर हमारा हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा एड्रेस डिकोडर। फिर हमारे यहाँ पूछा गया है क्या दसवां कि ए 16x8 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी सेल्स कैन स्टोर अप टू, 256 बिट, 1024 बिट, 512 बिट और 128 बिट। तो 16x128 होता है हमारा, इसका मतलब यह है कि दसवें का हमारा डी हो जाएगा 128 बिट, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया है कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन हेल्प होल्ड अप टू 1024 बिट एंड हैज मिनिमम ऑफ 10 एड्रेस लाइंस कैन बी स्टोर इन टू ऑर्गेनाइज इन टू, इसमें होगा 128 x 8, 256 x 4, 512 x 2, 1024 x 1, इसका मतलब ये होगा जो 11 का आंसर होगा हमारा वो होगा डी 1024 x 1। फिर 12 पूछा है सर्किट सर्किट दैट कैन होल्ड देयर स्टेट एज लॉन्ग एज पावर इज अप्लाइड एज, ए डायनेमिक मेमोरी, बी स्टैटिक मेमोरी, सी रजिस्टर और डी दिया है कैसे। तो 12 हो जाएगा हमारा क्या, बी स्टैटिक मेमोरी। फिर हमारा होता है 13 द नंबर ऑफ एक्सटर्नल कनेक्शन रिक्वायर्ड इन 16x8 मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज, क्या होगा हमारे यहाँ ए 14, बी 19, सी 15 और डी दिया है हमारा 12। 13 का आंसर हो जाएगा 14 हमारे यहाँ पे, इनकी ई आंसर हो जाएगा। फिर हमारा पूछा गया यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं 14वां नंबर क्वेश्चन है, यह है द एडवांटेज ऑफ सीएमओएस एसआरएम ओवर द ट्रांजिस्टर वन स्टेज, ए लो कॉस्ट, बी हाई एफिशिएंसी, सी हाई ड्यूरेबिलिटी और डी दी है लो पावर कंजप्शन। तो हमारा 14 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि लो पावर कंजप्शन।
हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है 15 नंबर। ये 4M बिट चिप ऑर्गेनाइजेशन हैज ए टोटल ऑफ 19 एक्सटर्नल कनेक्शन, देन इट हैज क्या एड्रेस इफ डाटा लाइंस आर देयर, A10, B8, D9 और D12। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, D यानी कि 9।